जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। छप्पन भोग की झांकी, विशेष श्रृंगार और ठाकुर जी आज कितना विशेष आयोजन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम तरीके के उछाल में फल और तमाम खिलौने और भी चीज़ें यहाँ रखी हुई है जो आज भक्तों में बांटी जाएगी, क्योंकि देखिए कृष्ण जन्मोत्सव है तो इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ जो भक्त हैं वो मना रहे हैं। और देखिए गोविंद देव जी मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्साह कितना ज़्यादा भक्तों में यहाँ पर है। और जो भक्तजन हैं वो पूरी तरीके से ठाकुर जी की सेवा में, उनकी भक्ति में लीन हो रहे हैं और हर कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। कोई उन्हें फल चढ़ा रहा है, कोई उन्हें प्रसाद चढ़ा रहा है। और देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर से, जहाँ भक्त हाथ ऊँचे कर कर भगवान श्री कृष्ण, भगवान ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो रहे हैं और जोरों जोरों से जयकारे लगाते हुए, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ये जयकारे लगाते हुए भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के सामने दंडवत हो रहे हैं। और देखिए कृष्ण जन्मोत्सव की धूम और गोविंद देव जी मंदिर परिसर से ये तस्वीरें, जहां पर हजारों की संख्या में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, भगवान श्री गोविंद देव जी की झांकी के दर्शन, दिव्य दर्शन करने यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं। और देखिए कितना विशाल भोजन आज छप्पन भोगों का, छप्पन व्यंजनों से बना ये भोजन, ये भोग आज गोविंद देव जी को चढ़ाया गया है, उन्हें अर्पण किया गया है। और आज जब कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है तो भक्तों में भी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की होड़ है। और देखिए ये जितना भी भोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी खिलौने फल और अन्य चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये गोविंद देव जी मंदिर परिसर में है। और यहाँ पर भक्तों में आज तमाम तरीके की चीज़ें वितरित की जाएगी और यहाँ पर पूरे जश्न के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म, क्योंकि रात में 12 बजे रात्रि के समय हुआ है, तो अब इस पर्व को पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा सकता है। गोविंद देव जी मंदिर परिसर से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की सजावट में देखिए हर तरीके की चीज़ आपको नजर आएगी। देखिए फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है और चंदन से विशेष श्रृंगार किया गया है। विशेष आकृतियाँ भगवान श्री गोविंद देव जी के विग्रह पर बनाई गई है, उन्हें आभूषण पहनाए गए हैं और उनकी बंसी कितनी सुनहरी और मनमोहक सजाई गई है। और देखिए ठाकुर जी के जन्म का उत्सव गोविंद देव जी मंदिर परिसर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो किस तरीके से ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर जयकारे लगाते हुए भगवान की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ ठाकुर जी की सेवा में अभी लगे हुए हैं। और देखिए पट खुल चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर के, जब पट खुले तो सच बेधड़क ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और गोविंद देव जी मंदिर में सजाई गई है ठाकुर जी की, गोविंद देव जी की विशेष झांकी। और ये झांकी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद की झांकी और नंदोत्सव की झांकी, और ये दिव्य मनमोहक झांकी भक्तों को और भी रिझा रही है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं और अन्य व्यंजनों से भोग लगा रहे हैं। और देखिए छप्पन भोग की झांकी आज गोविंद देव जी की सजाई गई है, विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। और देखिए श्री कृष्ण के जन्म के बाद ये मनमोहक झांकी गोविंद देव जी की, भक्त आज देखने आए हैं, इनके दर्शन करने आए हैं, गोविंद देव जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। और देखिए गोविंद देव जी भी आशा करते हैं कि सभी की मनोकामना पूरी करें और भगवान गोविंद देव जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और
देखिए आज किस तरीके से भव्य तरीके से भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है, उन्हें सजाया गया है, क्योंकि रात्रि में 12 बजे उनका जन्म हुआ है। तो अभी उनके बाल स्वरूप को भी बहुत ही मनमोहक तरीके से सजाया गया है, उनके बाल स्वरूप का भी किस तरीके से श्रृंगार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य झांकी, ये भव्य झांकी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी मंदिर की ये जो झांकी है, ये देश विदेश से लोग जयपुर में आकर देखने आते हैं। और गोविंद देव जी मंदिर देखिए एक श्रद्धा का स्थल है, एक आराधना का स्थल है। और जयपुर के जो आराध्य देव हैं वो गोविंद देव जी मंदिर वो गोविंद देव जी हैं। और किस तरीके से आज भक्तों में कितना उत्साह है, क्योंकि देखिए पूरी जन्माष्टमी की धूम आज पूरे शहर में है।
जी मंदिर परिसर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी के दर्शन यहां पर हो रहे हैं सभी को, और सभी लोग यहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम पूरे देश प्रदेश में है, और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे और देखिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन गोविंद देव जी मंदिर की जो दिव्य झांकी है, ठाकुर जी की दिव्य झांकी के दर्शन सबने किए। जब पट खुले तो महाआरती हुई, और इस महाआरती में भगवान श्री कृष्ण की जो दर्शन है, जो झांकी है, वो और भी ज़्यादा दिव्य हो गई, और भी ज़्यादा मनमोहक हो गई, और पूरे जयकारों के साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को रिझाया गया, और पूरी तरीके से जयकारे लगाते हुए हाथ ऊपर कर भक्तों में जो भक्ति का उत्साह देखा गया वो देखने लायक रहा। और देखिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को भी यहाँ पर कितनी मनमोहक तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है, उन्हें सजाया गया है, छोटे से ठाकुर जी, छोटे से लड्डू गोपाल जी, और इनका यहाँ पर श्रृंगार देखिए किस तरीके से फूलों से विशेष पोशाक पहनाकर, मुकुट पहनाकर, कुंडल लगाकर यहाँ पर इनका श्रृंगार किया गया। और देखिए ये छोटे गोविंद देव जी की भी झांकी अपने आप में दिव्य है, मनमोहक है, और ये झांकी देखने के लिए हजारों की संख्या में आज गोविंद देव जी मंदिर परिसर में भक्त आए हैं। भक्त यहाँ पर गोविंद देव जी की झांकी देखने आए हैं, और आज देखिए 56 भोगों की झांकी यहाँ पर आज और देखिए कान्हा को माखन मिश्री का आज भोग लगाया गया है, और गोविंद देव जी मंदिर में आज ठाकुर जी की विशेष झांकी जो है वो सजाई गई है। और देखिए श्री कृष्ण के जन्म के बाद आज नंदोत्सव है, और नंदोत्सव में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होने आए हैं, और नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और भी कई जयकारे आज गूंज रहे हैं मंदिर परिसर में। और जयपुर नगरी जो है, गुलाबी नगरी जो है, वो ठाकुर जी की इस दिव्य झांकी को पाकर कृष्णमय हो गई है, और पूरा जो माहौल है वो नंदोत्सव में देखा जा सकता है। नंदोत्सव का जो भाव है वो यहाँ पर भक्तों में प्रकट हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की ये जो खुशियाँ हैं ये आज भक्तों में देखी जा सकती है। और देखिए संत जन यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर परिसर में संत जन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और देखिए गोविंद देव जी मंदिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो संत जन हैं वो देखिए किस तरीके से चरणामृत जो हैं वो तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, और आज नंदोत्सव का हर्षोल्लास पूरे देश प्रदेश में है, हर जगह नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और देखिए नंदोत्सव जो है वो एक फाग के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती है, उनके बाल स्वरूप को देखा जाता है, बाल स्वरूप में जो उनकी शरारतें, जो उनकी लीलाएं, जो उनके जो प्रदर्शनियां हैं वो दिखाई जाती है, और भगवान श्री कृष्ण की यही मनमोहक झांकी, यही लीलाएं तो भक्तों को उनके लिए समर्पित करती है, उनके प्रति प्रेम का भाव जो है वो प्रकट करती है,
और कान्हा को माखन मिश्री का यहाँ पर भोग लगाया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, तो माखन से उन्हें रिझाया जा रहा है और विशेष श्रृंगार उनका किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ठाकुर जी को श्रृंगार का बहुत शौक है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का आज इतना दिव्य श्रृंगार किया गया है, मनमोहक श्रृंगार किया गया है। और भगवान कृष्ण के मंदिरों में आज नंदोत्सव का हर्षोल्लास है, आज उत्सव है, नंदोत्सव है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी को देखने के लिए आए हैं और ठाकुर जी की झांकी को देखकर हजारों की संख्या में भक्त झूम रहे हैं। और देखिए आज देश भर में, प्रदेश भर में कृष्ण मंदिरों में नंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और नंदोत्सव जो है वो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, कि अब जब रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया और वो नंद के घर पर आ गए, उसके बाद नंदोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान और देखिए झांकी आपको दिखा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर से, जहां पर भक्त आज पहुंच रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ, आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है, कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाकर आज उन्हें रिझाया जा रहा है। और गोविंद देव जी मंदिर में आज ठाकुर जी की विशेष झांकी सजाई गई है, आज भगवान श्री कृष्ण की झांकी बहुत ही दिव्य, बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रही है और भगवान कृष्ण आज नंदोत्सव है, तो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उनकी आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि देखिए जब नंद के घर पर भगवान श्री कृष्ण आए तो वो बहुत जिनका उनका बाल स्वरूप था, इसी वजह से आज नंदोत्सव जब है तो सभी लोग, देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भी अपने घरों से ठाकुर जी को लेकर आए हैं, अपने अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं गोविंद देव जी ठाकुर जी की झांकी के दर्शन करवाने, और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को आज एक बाल स्वरूप में देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं, उनके स्वरूप को याद कर रहे हैं। और नंदोत्सव जो है वो काफ़ी एक खासा उत्सव है और आज 56 भोग की झांकी और विशेष श्रृंगार गोविंद देव जी में किया गया है ठाकुर जी का। और देखिए गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें, जहां पर आज ये खिलौने, ये फल, ये सभी जो चीजें हैं वो श्रद्धालुओं में वितरित की जाएगी, आज उछाल इन सभी चीजों का होगा। और देखिए हर वो बच्चा जो आज नंदोत्सव मनाने भगवान श्री कृष्ण के गोविंद देव जी के मंदिर परिसर में आया है, वो उन्हें कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आज विशेष पूजा हो रही है। जो संत जन हैं वो छोटे ठाकुर जी की पूजा आज कर रहे हैं और उनका इतना विशेष श्रृंगार, इतना विशेष उन्हें पोशाक पहनाई गई है, दिव्य आभूषणों से आज ठाकुर जी को सजाया गया है और इनकी विशेष झांकी के दर्शन जो हैं वो अद्भुत प्रतीत हो रहे हैं। और भक्तगण देखिए कितनी देर से भक्त जो हैं वो नज़रें टिकाए आज भगवान की झांकी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी दिव्य, इतनी मनमोहक और इतनी सुंदर झांकी आज ठाकुर जी की दिख रही है। और देखिए गोविंद देव जी मंदिर परिसर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भक्तों में कितना उत्साह है, नंदोत्सव को लेकर आज मंदिर परिसर में कैसा माहौल है, कितना उत्साह के साथ, कितने उत्साह के साथ आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर है, किस तरीके के कार्यक्रम आज पूरे दिन चलने वाले हैं और किस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हुआ है और क्या क्या भोजन उनको खिलाया जा रहा है, किस तरीके से माखन मिश्री का भोग लगा के भगवान को रिझाया जा रहा है और माखन मिश्री का भोग यहाँ पर भक्तों में भी वितरित किया जाएगा
और भगवान श्री कृष्ण की झांकी को देखकर, यहाँ पर भगवान ठाकुर जी की झांकी को देखकर आज यहाँ पर भक्तगण जो है वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए हैं। और देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी शाम 4 बजे से परकोटे में भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। शोभा यात्रा के बाजारों से गुजरते वक्त ट्रैफिक को समांतर मार्ग से किया जाएगा डाइवर्ट और शोभा यात्रा के वक्त परकोटे में चांदपोल की छोटी चौपड़, अजमेरी गेट से गणगौरी बाजार और रामगंज से बड़ी चौपड़, सुभाष चौक से हवा महल बाजार की तरफ गुजरेंगे वाहन। और देखिए हवा महल बाजार, बड़ी चौपड़, सांगनेर गेट, बाबू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ से गुजरेगी शोभा यात्रा और ठाकुर जी की ये शोभा यात्रा आज निकलेगी नंदोत्सव के मौके पर चांदपोल बाजार बगरूवाला का रास्ता से होकर शोभा यात्रा गुजरेगी पुरानी बस्ती में। रात करीब 11 बजे गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी शोभा यात्रा और गोपीनाथ जी का मंदिर भी अपने आप में बहुत विशेष है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज निकलेगी ये शोभा यात्रा। और शोभा यात्रा का क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से जो रूट शोभा यात्रा का रहने वाला है उससे जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परकोटे के विभिन्न बाजारों से होते हुए आज गोपीनाथ जी के मंदिर गोविंद देव जी की ये शोभा यात्रा पहुंचेगी। और देखिए शोभा यात्रा के रूट पर वाहनों की पार्किंग रहेगी निषेध और शाम 4 बजे से परकोटे में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। और देखिए शोभा यात्रा के बाजारों से गुजरते वक्त ट्रैफिक को समांतरंतर मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। शोभा यात्रा के वक्त परकोटे में चांदपोल से छोटी चौपड़ तक पूरी व्यवस्था रहेगी, रामगंज से बड़ी चौपड़, सुभाष चौक से हवा महल बाजार की तरफ शोभा यात्रा जाएगी, हवा महल बाजार, बड़ी चौपड़, सांगनेर गेट, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ से गुजरेगी गोविंद देव जी की, ठाकुर जी की शोभा यात्रा। और आज देखिए नंदोत्सव है तो नंदोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन और ये शोभा यात्रा गुलाबी नगरी के तमाम इलाकों से होकर, तमाम मार्गों से होकर गुजरेगी और जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा गुजरने वाली है वहाँ की व्यवस्थाएँ आपको बता रहे हैं। किस तरीके से आज ट्रैफिक का रूट रहेगा, कहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, किन किन जगहों से होकर आज ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलेगी और कहाँ पर इसका समापन होगा, श्री गोपीनाथ जी मंदिर जो अपने आप में बहुत विशेष और ऐतिहासिक है उनके मंदिर में जाकर, गोपीनाथ जी के मंदिर में जाकर आज शोभा यात्रा का समापन होगा। और देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है और इस नंदोत्सव पर भगवान श्री ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और देखिए शोभा यात्रा का जो रूट रहेगा, किस कितने बजे से शोभा यात्रा शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, कहां कहां से होकर शोभा यात्रा गुजरेगी, सभी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और देखिए गोविंद देव जी मंदिर परिसर से लाइव तस्वीरें, जहां पर गोविंद देव जी मंदिर में आज विशेष झांकी सजाई गई है। शोभा यात्रा आज ठाकुर जी की निकाली जाएगी। 56 भोग की झांकी, श्री कृष्ण के जन्म के बाद आज नंदोत्सव और नंदोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन। और देखिए गोविंद देव जी मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं। एक के बाद एक श्रद्धालु यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर पहुँच रहा है और आज नंदोत्सव के मौके पर गोविंद देव जी मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है और आज शोभा यात्रा भी गोविंद देव जी की निकलने वाली है। ठीक है, हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं लोकेश ओला, हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर से। लोकेश, अभी की क्या फिलहाल स्थिति है, क्या हर्षोल्लास वहां पर देखा जा रहा है, कितने श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख पा रहे हैं और अब आगामी कार्यक्रम क्या है गोविंद देव जी मंदिर पे, क्योंकि आज नंदोत्सव का मौका है और नंदोत्सव पे तो और भी ज्यादा धूम देखी जाती है गोविंद देव जी मंदिर में। बिल्कुल गुनगुन, कल गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया और आज नंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें मेरे सहयोग के जरिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है, नंदोत्सव की जो धूम है वो किस तरह की यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरह से कल जो राजधानी जयपुर से प्रदेश प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिरों के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया और उस दौरान और आज बधाइयों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नंदोत्सव का ये कार्यक्रम है और मंदिर के अंदर आज जो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अब आज नंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां मिठाइयां बांटी जा रही है, फूल, साथ ही जो खिलौने यहां श्रद्धालुओं के पास भेजे जाएंगे, गोविंद देव जी के महंत जो तमाम जो महंत वो यहां मौजूद है और उन्हीं महंतों के सानिध्य के अंदर ये कार्यक्रम नंदोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। शाम को शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाएगी। नंदोत्सव के कार्यक्रम के अंदर अब जो फूल पतासे खिलौने मिठाइयाँ साथ ही जो ट्रॉफी है श्रद्धालुओं को वो यहाँ बांटी जाएगी। जो पहले विधिवत पूजा अर्चना यहाँ की गई है नंदोत्सव के कार्यक्रम की और ये तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल किनारों के बीच में आज यहाँ नंदोत्सव का कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। जो महंत मानस गोस्वामी के परिवार के सदस्य द्वारा ये जो की बेटी द्वारा ये नंदोत्सव के कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की गई, नारियल जो फेंककर बांटकर ये इसका कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो यहाँ किया गया। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जो बालिका द्वारा या कन्या द्वारा ये इस नंदोत्सव के अंदर कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो यहाँ की गई है। कार्यक्रम में महंत गोविंद देव जी के वो भी मौजूद है
तमाम हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु वो यहाँ मौजूद है। बधाई देने का जो तांता है वो यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है यहाँ श्रद्धालुओं के अंदर, भक्तों के अंदर किस तरह का उत्साह है। और जो खिलौने मिठाइयाँ ये जो बांटी जा रही है, नारियल यहाँ फेंक कर इसका शुभारम्भ यहाँ किया गया, और अब जो खिलौने यहाँ फेंके जाएंगे श्रद्धालुओं के बीच वो बांटे जाएंगे, और तमाम जो महंत है वो यहाँ मानस गोस्वामी के परिवार के सदस्य वो यहाँ जो महंत परिवार के सदस्य वो खिलौने मिठाइयाँ यहाँ बांट रहे हैं, और उन खिलौने मिठाइयों की लेने की जो लूट है वो यहाँ किस तरह की मची हुई है आप यहाँ सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालुओं में उत्साह है। यहाँ खिलौने मिठाइयाँ जो फेंकी जा रही है श्रद्धालु के बीच में, उन्हें लूटने की जो किस तरह का जो प्रयास है वो यहाँ आप किया जा रहा है वो देख सकते हैं। एक उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, और हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो कल रात तक यहाँ मंदिर परिसर में डटे रहे। मंदिर के अंदर जो भगवान के जो दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे, और अब जो बधाई देने का नंदोत्सव का जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उस नंदोत्सव के कार्यक्रम के अंदर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो पहुँचे हुए हैं। तमाम जो महंत है वो यहाँ मौजूद है, संतों के महंतों के मौजूदगी में, और जो गोविंद देव जी मंदिर परिसर में नंद के घर आनंद भय जय कन्हे लाल की जो लूट है वो यहाँ मची हुई है। तो उसी जो लूट में यहाँ मिठाइयाँ टोपियाँ हैं खिलौने हैं वो श्रद्धालु लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो लूट है वो यहाँ मची हुई है, किस तरह से लोग श्रद्धालु है वो। जी गुनगुन, हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आज गोविंद देव जी मंदिर परिसर में किस तरीके से जो भक्त हैं वो झूम रहे हैं। और अभी फिलहाल क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है गोविंद देव जी मंदिर में, क्योंकि अभी जिस तरीके का उछाल किया जा रहा है खिलौनों का, टॉफियों का और फलों का, और तो तमाम चीज़ों के बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेगा गोविंद देव जी मंदिर परिसर में? गुनगुन देखिए, नंदोत्सव महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होता है गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर, और ये नंदोत्सव के कार्यक्रम को आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो यहाँ जो टोपी मिठाइयाँ और साथ ही जो खिलौने जो बांटे जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, उनको लूटने की जो होड़ है यहाँ इन श्रद्धालुओं में, इन भक्तों में मची हुई है, और लेने के लिए हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं। तो आज नंदोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके अलावा जो कई विशेष झांकियाँ हैं वो यहाँ आयोजित की गई है। इन्हीं झांकियों के साथ में ही आज इस कार्यक्रम के बाद में शाम 4 बजे गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर आज मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न मुख्य बाजारों से होते हुए गोपीनाथ जी के मंदिर तक पहुंचेगी, और वहां पर भी विशेष आरती पूजा का कार्यक्रम है वो रात 11 बजे किया जाएगा। नंदोत्सव के अंदर आज सभी छोटे बड़े मंदिरों के अंदर बधाई देने का जो दौर है वो लगातार जारी है। विभिन्न जो खिलौने हैं वो यहाँ बांटे जा रहे हैं, और इन्हीं खिलौने के साथ साथ यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, ट्रॉफियाँ उछाली जा रही है, और जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, और खासा उत्साह आप यहाँ दर्शकों के बीच में देख सकते हैं कि किस तरह से नंदोत्सव के इस कार्यक्रम में लूट यहाँ मची हुई है श्रद्धालुओं में। श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद समझकर इन खिलौनों को, मिठाइयों को, टोफियों को यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। जी, तस्वीरें देख सकते हैं। और फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या हमेशा इसी तरीके से जन्मोत्सव का आयोजन होता है गोविंद देव जी मंदिर परिसर में? क्या इसी तरीके से हमेशा जन्मोत्सव के बाद जो नंदोत्सव होता है वो इसी तरीके से हमेशा मनाया जाता है, और पिछली बार से लेकर इस बार क्या भीड़ ज्यादा देखी गई है? जी
गुनगुन, नंदोत्सव का जो कार्यक्रम है वो हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, और जिस तरह से पहले छप्पन भोग की जो झांकी सजाई गई उससे भगवान को जो मिश्री मावे का जो भोग यहाँ लगाया गया, छप्पन भोग का भोग यहाँ भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में यहाँ लगाया गया, सुबह मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं के जो दर्शन का जो काम है वो यहाँ शुरू हुआ, और सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अब तक भगवान गोविंद देव जी के दर्शन लाभ प्राप्त किए, और अभी भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ मंदिर परिसर के अंदर पहुँच रहे हैं, और मंदिर के अंदर जिस तरह से आप तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं कि गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर ही सैकड़ों की संख्या में जो बांटने वाले हैं, खिलौने लूटने वालों की जो होड़ है वो यहाँ मची हुई है, और मुख्य रूप से बात करें तो जिस तरह से मंदिर परिसर के अंदर लगातार जो कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के पहले से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और इसी के साथ में गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी इस तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ आयोजित किए जाते हैं, और नंदोत्सव का कार्यक्रम भी जन्माष्टमी के अगले दिन आयोजित किया जाता है जिसमें खिलौने मिठाइयाँ तमाम जो सामग्री होती है उनको श्रद्धालुओं के बीच उछाला जाता है, और उन्हें प्राप्त करने की जो होड़ है लूट है वो यहाँ मची रहती है, तो इस तरह से मंदिर परिसर के अंदर हर वर्ष जो कार्यक्रम है वो होते रहते हैं, और इसी के साथ में इस बार भी गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर इस नंदोत्सव का भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है यहाँ किया गया है। जी जी बिल्कुल लोकेश, देखिए आज अच्छा जो शोभा यात्रा निकलने वाली है जो ठाकुर जी की आज नंदोत्सव के उत्सव पर मौके पर जो शोभा यात्रा निकलेगी उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि शोभा यात्रा भी अपने आप में बहुत भव्य होगी, उसमें कितने लोग शामिल होंगे और क्या क्या शोभा यात्रा का रूट रहेगा और शोभा यात्रा का समापन किस तरीके से होगा और किस तरीके से आज शोभा यात्रा ठाकुर जी की निकाली जाएगी, इसको लेकर थोड़ा कुछ बता दीजिए। लोकेश, आज जो शोभा यात्रा निकलने वाली है गोविंद देव जी मंदिर से, जो शोभा यात्रा निकलेगी ठाकुर जी की, उस वो जो झांकी निकलेगी वो अपने आप में बहुत दिव्य, बहुत मनमोहक होगी, बहुत भव्य होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ पूरा रोड मैप है, किस तरीके से कहां कहां से होकर शोभा यात्रा गुजरेगी, कहां से शुरू होगी, कहां पर शोभा यात्रा का समापन होगा और कितने श्रद्धालु, कितने लोग, कितने संतजन शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं आज? हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है इस शोभा यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ इस शोभा यात्रा में पहुँचेंगे, और ठीक ये शोभा यात्रा 4 बजे 4:15 बजे गोविंद देव जी मंदिर परिसर से निकलेगी, जो आगे जयपुर के प्रमुख बाजारों से होती हुई गोपीनाथ जी के मंदिर परिसर तक जाएगी, यहाँ मंदिर परिसर के अंदर ठाकुर जी के जो भोग है वो लगाया जाएगा, महाआरती ठाकुर जी की जाएगी, और मुख्य बाजारों से होती हुई जो शोभा यात्रा निकलेगी इस शोभा यात्रा को लेकर भी जो विशेष तैयारी है वो की गई है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात को सुचारू रखने का जो प्रयास है वो यहाँ किया जाएगा, इस दौरान जो मुख्य मार्गों पर यातायात है वो बंद किया जाएगा, इसके अलावा बात करें तो अन्य जो मार्गों को अन्य मार्गों को सुचारू संचालित करते हुए जो शोभा यात्रा है उसको आगे पहुंचाने का काम किया जाएगा। जी लोकेश, मैं चाहूंगी कि आप अभी गोविंद देव जी मंदिर से अपने सहयोगी कैमरामैन से कहकर जो तस्वीरें हैं वो तमाम तस्वीरें दिखाएं कि अभी गोविंद देव जी मंदिर में जिस तरीके से आज पूरा उत्सव मनाया जा रहा है।
ठीक है लोकेश, मैं चाहूंगी कि आप गोविंद देव जी मंदिर की कुछ भव्य तस्वीरें दिखा दें, जो अभी नंदोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखाएं, गोविंद देव जी की झांकी की तस्वीरें दिखाएं। देखिए गुनगुन, मंदिर परिसर के अंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है वो यहाँ किया गया है, जो श्रद्धालु जी जो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर में, भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई है और इसी शोभा यात्रा के अंदर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम जो तस्वीरें हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे, साथ ही जिनके द्वारा ये प्रसाद मैया बांटी जा रही है उनसे बातचीत यहाँ करेंगे और आयोजित किया गया। आज नंदोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। नरसिंह का माता जी हूँ, आज आनंद का ठिकाना है नहीं, मेरा नंद आया। काफी उत्साह यहाँ भक्तों में भी देखने को मिला है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है, ठाकुर जी का कल जन्म हुआ है, ठाकुर जी कल प्राकट्य हुए हैं और आज भक्तों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और भक्त चाहते हैं कि कहीं से एक खाली ठाकुर जी का एक कुछ ठाकुर जी की बधाई मिल जाए किसी भी तरीके से, ताकि उसको कीमती उसको सजा के ले जा सके अपने घर पे। ठाकुर जी की बधाइयां यहाँ बांटने के लिए, ठाकुर जी की बधाइयां बांट रहे हैं सब। हाँ, जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सबका दिन मंगलमय रहे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठाकुर जी के आज गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हैं, ठाकुर जी के जो भोग प्रसादी है वो यहाँ बांट लोग बांट रहे हैं। और जो बातचीत भी हमने की जिस तरह से महंत साथी जो बधाई बांटने वालों से, तो वो भी काफ़ी उत्साहित है, खुश नज़र यहाँ आ रहे हैं और ठाकुर जी का जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी कुछ न कुछ प्राप्त जो प्रसाद है, आशीर्वाद है वो यहाँ प्राप्त करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं जी। फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं, कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्या कुछ माहौल है और अब जब से नंदोत्सव की शुरुआत हुई है तब से भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है गोविंद देव जी मंदिर परिसर में, आज पूरे दिन किस तरीके के कार्यक्रम चलेंगे, किस तरीके की धूम मचेगी, किस तरीके की प्रस्तुतियां होगी और गोविंद देव जी मंदिर में आज ठाकुर जी का किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, और देखिए सुरक्षा को लेकर भी काफी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आज क्योंकि भक्तों का श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ रहा है गोविंद देव जी मंदिर में, तो श्रद्धालुओं को लेकर भी एक थोड़ा सुरक्षा का एक मुद्दा यहाँ पर उठता है कि कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्था ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा के भी क्या इंतजाम किए गए हैं।
मंदिर में सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। आज तो ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया जा रहा है, कुछ गीत भी होते होंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हरि घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हरि घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय घोड़ा पाल की। मंगल गीत गाते हैं इस दौरान। मंगल गीत आते हैं क्या? हम राधे राधे, जय श्री राधे। मंगल गीत हमारा तो सुन आई, ये चौदह जायो ललनो बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, ये चौदह जायो ललनो बेदन पाल में थे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिया पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज गोविंद प्रांगण में भगवान की बधाई है और बधाई की जयकारे गूंज रहे हैं। बोलो नंद के आनंद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे लोग बाग भक्तों की खुशी इतनी उमड़ रही है कि गोविंद प्रांगण में खुशियों की बौछार आई हुई है और जयकारे लगाए जा रहे हैं और औरतें नाच के दिखाई जा रही है और भगवान के बधाइयों की हर जगह बधाई बटी जा रही है और लोग बाग बधाई लेने के लिए कतार में खड़े हैं और बधाई लेके बहुत खुश है। देख सकते हैं कि किस तरह का जो उत्साह यहाँ भक्तों में श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और उसी पूजा और प्रार्थना के साथ में आज तमाम जो श्रद्धालु यहाँ मंदिर परिसर में पहुँचे, आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान जो बधाइयाँ बांटी गई वो बधाइयाँ प्राप्त की और काफ़ी उत्साहित यहाँ बधाइयाँ प्राप्त करके नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपने यहाँ देखी, बड़ी प्यारी तस्वीरें यहाँ और मनमोहक तस्वीरें यहाँ ठाकुर जी की जो देखने को मिली और कुछ प्यारी तस्वीरें यहाँ जो श्रद्धालुओं की यहाँ देखने को मिली कि किस तरह से उत्साह है यहाँ इन श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिल रहा है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और ये जो उत्साह है वो कोई सामान्य बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है, नंदोत्सव ये मनाया जा रहा है, उसी की ये जो उत्साह है वो यहाँ सभी श्रद्धालुओं में सभी भक्तों के अंदर ये नज़र आ रहा है। जो माँ यशोदा के और साथ ही जो बाल कृष्ण के बाल गोपाल के जो गीत हैं वो यहाँ महिलाएं गाई है, वो हमने दर्शकों को भी सुनाया कि कौन कौन से जो गीत है वो श्रद्धालु हैं भक्त हैं जो गा रहे हैं और ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर रहे हैं। और अब जो नंदोत्सव कार्यक्रम का जो समापन है वो मंदिर परिसर में हो चुका है। ठाकुर जी के जो दर्शन हैं वो अब कुछ समय के लिए यहाँ मंदिर परिसर के अंदर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ डटे हुए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं और जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, बधाइयाँ यहाँ लोगों ने प्राप्त की है। और जो तस्वीरें भी देखिए कि मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। साथ ही बात करें तो सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम आते हो रहा, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, पुलिस सीआई दलबीर सिंह हमारे साथ हैं। विशेष सुरक्षा का इंतजाम यहाँ किया गया, क्या कुछ सुरक्षाएं रही, किस तरह से श्रद्धालुओं को आवाजाही रखी गई?
ये वार्षिक उत्सव है और सबसे बड़ा पर्व है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। गोविंद देव जी जो कि जयपुर का आराध्य देव हैं, डीसीपी मैम और तमाम जो लवाजमा है नॉर्थ का प्लस अन्य जो जिलों से या लाइन से हैं, हम सब ने कोशिश की कि सभी को बहुत अच्छे से दर्शन हो और जो ये उभारते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उसमें भी किसी तरह की कोई भगदड़ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो, क्योंकि काफ़ी सारा जनसमूह उस प्रसाद को लेने के लिए उमड़ता है। अभी सब शांतिपूर्वक हो गया है और अभी चल रहा है लगातार 11 बजे तक का उत्सव। शाम को शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा में विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी उसमें? तो पूरा वार्षिकोत्सव है वो भी, क्योंकि हर वर्ष जो है मनाया जाता है तो एक सेट जो पैटर्न है उसके तहत ही व्यवस्था सुरक्षा की गई है। डीसीपी मैम और सीपी सर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा करके सभी तरह के स्तरों पर व्यवस्था की है। तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि वार्षिकोत्सव है और हर वर्ष जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ रखी जाती है उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ इस बार भी रखी गई है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया, जयपुर नॉर्थ का जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ लगाया गया, कई थानों की पुलिस यहाँ तैनात की गई, रिजर्व पुलिस लाइन से भी कई जवानों को यहाँ तैनात किया गया। इसके अलावा शाम को जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस शोभा यात्रा के अंदर भी जो विशेष जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की रहेगी, ट्रैफिक पुलिस की यहाँ विशेष व्यवस्था है वो रखी जाएगी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से उस जन्मोत्सव का जो भव्य आयोजन राजधानी जयपुर के अंदर मनाया जाता है वो शांतिपूर्वक मनाया जा सके। जी दिखा दे बार चारों बार लोगों की जो भीड़ है वो लगातार अभी भी बनी हुई है। नंदोत्सव का जो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के अंदर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे नंदोत्सव के बधाइयाँ लेने के लिए यहाँ पहुँचे, सबने जो बधाई प्राप्त की, भगवान का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त किया, भगवान का आशीर्वाद समझकर जिस तरह से जो बधाई लेने के लिए जो खिलौने मिठाइयाँ फल फ्रूट्स है जो सहित जो अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए भी यहाँ लोग है वो बड़ी संख्या में पहुँचे, उन्होंने प्राप्त किया, भगवान का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त किया और जो नंदोत्सव का जो कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया वो यहाँ गोविंद देव जी मंदिर परिसर में आज किया गया है।